हेलो फ्रेंड्स, आज हम चालू करेंगे लेक्चर नंबर 1 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, जो 11th बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आज अपन इसको चालू करेंगे। और इस लेक्चर में अपन करेंगे डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन ट्रीट के बारे में चालू करेंगे। और तो चलिए लेक्चर चालू करते हैं। तो बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है, तब हमने देखा डाइजेशन मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस में डाइजेशन में क्या जाता है, जैसे मैस्टिकेशन, यानी खाने को जो अपन चबाते हैं, मैस्टिकेशन प्लस चर्निंग, ये हो गया मैकेनिकल प्रोसेस डाइजेशन का। बायोकेमिकल प्रोसेस जो एंजाइम्स के थ्रू एक्ट करते हैं, एंजाइम्स अपने फूड के अंदर, ये हो जाता है डाइजेशन का बायोकेमिकल प्रोसेस। अब मैस्टिकेशन और चर्निंग और इन बायोकेमिकल प्रोसेस, इन दोनों से मिलकर बनता है डाइजेशन। तो ये दोनों हेल्प कैसे करते हैं अपने को डाइजेस्ट करने में कोई भी खाना, जैसे फॉर एग्जांपल ये है फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, अपनी बॉडी सीधे इसको इससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, जो भी उसको मिनरल्स सही रहते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी उसकी जरूरत रहती है, बॉडी इससे सीधे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो यहां पे अपने काम आएंगे बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ये एक्ट करेंगे। तो यहां पे ये बन जाएगा अपना खाना। ये सब जितनी भी चीज होती है, ये होती है एंजाइम्स की, ये वाटर के प्रेजेंस में होती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि वाटर डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो हाइड्रोलेज होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन, सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड, सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में बदल दिया। और साथ ही में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेज, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एंजाइम्स इन आर बॉडी आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये दिख रहा है, अब दिखेगा अच्छे से, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है अपनी बॉडी में, जितने भी एंजाइम होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट नोट। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनी आती कौन कौन सी चीजें हैं। तो अपन देखेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आती कौन कौन सी चीजें हैं। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में आती क्या चीजें। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्लैंड कौन कौन से आते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो अपने को अपना जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले खाना मुंह में डालते हैं तो सलाइवा उस पर एक्ट करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। पैनक्रियास, लिवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये रहे एसोसिएटेड ग्लैंड। अब बात कर लेते हैं गट, ये ऐसी को अपन एलिमेंट्री के नाम भी बोलते हैं।
तो ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो ये रहती है अपनी जहां से माउथ चालू होता है, माउथ टू एनस। इस पूरे को डाइजेस्ट सिस्टम में अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट। इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ होती है इसकी 6 to 9 meters। 6 to 9 meters की लेंथ होती है पूरी गट की या एलिमेंट्री कैनाल की। अब गट में क्या क्या चीजें आती हैं? गट डिवाइड रहती है फोर गट में, मिड गट में, हाइंड गट में। तो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज ये है इंसान, ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एंड दिस इज माउथ। तो यहां पे हम देख लेते फोर्थ गट और मिड गट, हाइंड गट कहाँ कहाँ होती है। तो मेजर पार्ट जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल या गट का होता है वो होता है मिड गट के अंदर आता है। वो यहां से चालू होता है यहां तक रहता है, तो ये पूरा आता है मिड गट के अंदर। माउथ आता है फोर गट के अंदर, एनस आती है हाइंड गट के अंदर। अब देख लेते हैं जो अपनी फोर गट, मिड गट, हाइंड गट है, इनका ओरिजिन, ये ओरिजिन कैसा रहता है इनका। तो जो फोर गट रहती है ये होती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सिमिलरली हाइंड गट भी एक्टोडर्मल होती है, बस जो मिड गट होती है वो एंडोडर्मल रहती है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अपन ने अब इनके ओरिजिन के बारे में भी देख लिया, अब अपन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बकल या ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। बकल / ओरल कैविटी, तो ये क्या होता है, इट इज स्पेस इनसाइड माउथ वेयर फूड इज kept फॉर a bit बिफोर इट enters esophagus। तो बकल या ओरल कैविटी किसको बोला जाता है, जहां पर अपन थोड़ी देर खाने को रखते हैं जिसके पहले अपन उसको esophagus में निकल लें, उसको कहते हैं ओरल कैविटी। अच्छा, माउथ और बकल या ओरल कैविटी में डिफरेंस क्या होता है? बकल कैविटी मैंने बताया वो जगह होती है जहां पर अपन फूड को थोड़ी देर रखते हैं, माउथ वो होता है जहां से अपन फूड को इनटेक करते हैं। तो माउथ और बकल कैविटी में दोनों में डिफरेंस है। तो अब अपन यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के थ्रू और चीजें के बारे में देखेंगे। एक है ट्रैकिया या विंडपाइप, एक है इसोफेगस, और ये वाली जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं नेजल चैम्बर। और ये है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और ऐसे सिमिलरली होता है इंटरनल नोस्ट्रिल। ये है इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल, ये होता है ट्रैकिया, ये होता है इसोफेगस, ये अपनी बकल कैविटी है,
बबल कैविटी में अपने आते हैं टीथ, टंग भी आती है, टंग, और ये आते हैं अपने टीथ। टीथ और टंग, ये जहां ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन आते हैं टीथ और टंग से, पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देख, ये है बकल कैविटी, जहां पे अपन खाने को थोड़ी देर रखेंगे निकलने से पहले। उसके बाद में ईसोफेगस हो गया, ये जो ईसोफेगस की ओपनिंग है ये होती है गलेट, इसको गलेट बोला जाता है। उसके बाद में ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है इसको ग्लॉटिस बोला जाता है। और ग्लॉटिस बोला जाता है और जो ट्रैकिया को कवर करता है इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ताकि जब खाना अपन यहां पे निकलते हैं तो ये कवर हो जाता है, जिससे खाना विंड पाइप में ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए। नहीं तो अगर पानी की एक बूंद भी चली जाती तो आप देखा होगा बहुत तेज कफिंग होती है, जो लंग्स है वो स्क्वीज करते हैं, क्योंकि कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं जानी चाहिए, नहीं तो निमोनिया हो जाता है और सीवियर केस में डेथ भी हो जाती है, इसलिए यहां पे नहीं जानी चाहिए। अब यहां पे ये एक स्ट्रक्चर हैंग करता रहता है, इसको बोलते हैं यूवुला। कभी आपने मुंह खोल के कांच के सामने खड़े हो गए तो एक स्ट्रक्चर लटकता रहता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर से लटकता है, इसको बोलते हैं यूवुला। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल जो है इसकी कवरिंग होती है, इसको यूवुला बोलते हैं, क्योंकि कभी कभार देखा होगा जैसे अपन ने पानी पिया लेकिन पानी नाक से बाहर आ जाता है, वो तब होता है जब यूवुला इंटरनल नॉस्ट्रिल की कवरिंग अच्छे से कवर नहीं करती, इसलिए पानी यहां से पीते हैं तो बाहर आ जाता है। तो ये था इस डायग्राम में। अब अपन बढ़ेंगे टीथ की तरफ। तो ये मैंने ह्यूमन टीथ का डायग्राम बनाया है, राइट साइड थोड़ा सूज गया है, तो अब अपन इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये वाली पार्ट होती है इनेमल। इनेमल जो होता है इसका सबसे पहले बात करेंगे अपन ओरिजिन के बारे में, ओरिजिन इंपॉर्टेंट होता है। इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। इनेमल ओरिजिन में होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये होती है प्रोटेक्टेड कवरिंग होती है टीथ की। उसके बाद में ये बनती है अमाइलोब्लास्ट सेल से, प्रोड्यूस्ड बाय अमाइलोब्लास्ट सेल। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, ये अपने हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, हार्ड सब्सटेंस होता है मतलब 96% इनऑर्गेनिक चीजों से बना होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 96% इनऑर्गेनिक नेचर में होता है। इसके बारे में अपन बात करें, इसके बाद बात करेंगे डेंटाइन के बारे में। डेंटाइन होता है ये वाला पार्ट, ये पूरा इनेमल, ये रहा डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है वो होता है बोनी पार्ट, बोनी पार्ट। ओरिजिन, तो डेंटाइन अपन ने बोला बोनी पार्ट है, तो जो बोन का ओरिजिन होता है वही डेंटाइन का ओरिजिन होगा। बोन कैसे, बोन ओरिजिन में कैसी होती है? मीजोडर्मल। तो डेंटाइन भी कैसा हो जाएगा? मीजोडर्मल। ये टीथ का बोनी पार्ट रहता है, और ये जो बनता है ये बनता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स से, प्रोड्यूस्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स से ये बनता है। और जो इनेमल रहता है वो अमाइलोब्लास्ट सेल से बनता है। अमाइलोब्लास्ट सेल इनेमल को बस एक बार बनाते हैं, तो अगर एक बार इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इनेमल वापस नहीं बनता, लेकिन डेंटाइन जो बोनी पार्ट रहता है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ओडोंटोब्लास्ट सेल इनको वापस बना देते हैं, इसलिए इनेमल को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो अमाइलोब्लास्ट सेल फिर से नहीं बनाएंगे, वो बस एक ही बार बनाते हैं इनेमल को। लेकिन ओडोंटोब्लास्ट सेल जो रहते हैं वो डेंटाइन को बाद में वापस रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपन बात कर लेंगे पल्प कैविटी के बारे में।
तो ये होती है पल्प कैविटी। या पहले मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, इनेमल डेंटाइन को, इसके बाद पल्प कैविटी के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं पल्प कैविटी के बारे में। पल्प कैविटी ये रही, यहां होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है? इट कंटेन्स ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स एंड ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्लस नर्व्स। नर्व्स भी कंटेन करती हैं। और ये रहे टीथ के तीन पार्ट होते हैं, जो विजिबल पार्ट रहता है, जो अपने को ऊपर से दिखता है शाइनी पार्ट, वो रहता है क्राउन। जो बीच का रहता है उसको बोलते हैं नेक, और बचे हुए को जो नीचे का रहता है उसको बोलते हैं रूट। और जो ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये बनाते हैं लाइनिंग पल्प कैविटी की। तो ये अपन लिख लेते हैं, ये जो मैंने गोल गोल ऐसे बनाए हुए हैं ये ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स हैं। ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स, ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं फॉर्म लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी। ये जो बनते हैं ये डेंटाइन से बनते हैं। अगर डेंटाइन टूट जाता है, इफ डेंटाइन ब्रेक्स दी सेल मेक डेंटाइन अगेन। तो जो ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो मैंने पहले बताया वो डेंटाइन को बनाते हैं, और इनेमल बनता है अमाइलोब्लास्ट सेल्स के सेल्स से। तो जो डेंटाइन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स इनको वापस बना सकते हैं। दीस सेल्स प्रोड्यूस डेंटाइन इफ डेंटाइन इज डिस्ट्रॉयड या अगर टूट जाता है स्लैश ब्रेक्स दीस रिपेयर डेंटाइन अगेन। लेकिन इनेमल के साथ में ऐसा नहीं होता, इनेमल अमाइलोब्लास्ट सेल से बनता है। इसलिए अगर एक बार इनेमल डिस्ट्रॉय हो गया अमाइलोब्लास्ट सेल्स उनको वापस नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर डेंटाइन बोनी पार्ट जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये लाइनिंग रहती है पल्प कैविटी की, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्म लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स, लाइनिंग बनाते हैं पल्प कैविटी की। ये रहा पल्प कैविटी वाला हिस्सा, इसके अंदर ये जो गोल गोल बने हुए हैं ये हैं ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स। ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन बनाते हैं, और अगर डेंटाइन टूट जाता है तो ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स इनको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अमाइलोब्लास्ट सेल्स ये एनामेल बनाते हैं परमानेंट टीथ में, और ये केवल एक ही बार बनाते हैं। अगर एनामेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसको वापस नहीं बना पाते अमाइलोब्लास्ट सेल्स। तो ये रहा ह्यूमन टीथ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन में कौन कौन से टीथ होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। तो अब डालेंगे हेडिंग टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ह्यूमन में कितने टाइप के टीथ होते हैं? फोर टाइप के होते हैं। फोर टाइप में अभी अपन वो नहीं लिख रहे हैं, इनसे से कहना है मतलब अपन इसमें लिख रहे हैं कौन कौन से तरह के होते हैं। जैसे थीकोडोंट, ह्यूमन में जो टीथ होते हैं वो होते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब प्रेजेंट इन सॉकेट, सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं थीकोडोंट। ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट मतलब स्मॉल कस्प प्रेजेंट मतलब जो क्राउन अपने को विजिबल रहता है, जो ग्राइंडिंग सरफेस रहती है वो बोल उसको स्मॉल कस्प जो प्रेजेंट रहता है वो दिखता है अपने को, उसको बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूं, मतलब जो क्राउन विजिबल रहता है जो ग्राइंडिंग सरफेस रहती है। डाइफायोडोंट मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी एक बार आते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, या डेसीडियस टीथ, या इसको टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, या प्राइमरी डेंटेशन भी बोलते हैं। और इसके बाद में ये टूट जाते हैं, इसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो लाइफ टाइम रहते हैं अपने साथ में।
और होते हैं हेटरोडोंट, हेटरोडोंट यानी डिफरेंट टाइप होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फॉर डिफरेंट पर्पस, इसको हेटेरोडोंट बोलते हैं। और इसमें ये अपने कौन कौन से रहते हैं ह्यूमंस में, ह्यूमंस में रहते हैं नेमली इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये अलग अलग चार टाइप के टीथ होते हैं, थीकोडोंट, ब्यूनोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटरोडोंट। ये इंसान में अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। अब अपन इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो थीकोडोंट यानी टूथ प्रेजेंट इन सॉकेट, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना है नहीं। प्रेजेंट इन सॉकेट मतलब जो अपने सॉकेट में रहते हैं, अपने जबड़े में रहते हैं दांत, उसको थीकोडोंट बोलते हैं। ब्यूनोडोंट मतलब स्मॉल कस प्रेजेंट, अपन समझेंगे। डाइफायोडोंट क्या होता है, डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट मतलब जो दो अपने सेट आते हैं ह्यूमंस में, दो सेट आते हैं टीथ के, एक होता है मिल्क टीथ या अपन इसको बोलते हैं डेसीडियस टीथ या अपन इसको बोलते हैं मिल्क टीथ या अपन इसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ। कई सारे नाम रहते हैं। और इसके बाद में जो दूसरा सेट आता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेंटिशन, यहां पे प्राइमरी डेंटिशन और लिख सकते हैं। प्राइमरी डेंटिशन ये होते हैं सेकेंडरी डेंटिशन, सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो आते हैं दूध के दांत टूटने के बाद में, गैस को अडल्ट टीथ लिख सकते हैं। गैस को परमानेंट टीथ लिख सकते हैं। जो प्राइमरी डेंटिशन रहता है ह्यूमंस में ये रहते हैं 20 टीथ। और जो रहते हैं सेकेंडरी डेंटिशन में एडल्ट्स में वो रहते हैं टोटल 32 टीथ। इसके बाद में जो 20 जो बच्चों में रहते हैं इसमें कौन कौन सी आते हैं, इसमें आते हैं इंसिजर आते हैं, इंसिजर के लिए आई इंसिजर प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन के लिए सी, प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं एब्सेंट बच्चों में, और मोलर, मोलर में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ये वाले होते हैं, थर्ड प्रीमोलर एब्सेंट रहता है। तो टोटल कितने हो गए इंसिजर, टोटल होगा ये 8, कैनाइन 4। ये रहता है जैसे अगर ये अपन बनाए अपर जॉ लोअर जॉ और इसको आधा, तो ये जो शुरू के दो रहते हैं इसको बोलते हैं अपन इंसिजर, ये जो एक नुकीला सा रहता है इसको बोलते हैं कैनाइन, इसके पीछे आते हैं प्रीमोलर जो बच्चों में नहीं होते, और बड़े बड़े मोलर दो होते हैं प्रेजेंट, थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, ये रहा मोलर, तो दो आधे में, तो ऐसे दो यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, इंसिजर 8 हो गए, कैनाइन 1 हर जगह, 1 2 3 4, कैनाइन 4, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, मोलर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला मोलर होता है, थर्ड वाला एब्सेंट होता है, तो मोलर भी 2 हो गए, तो ये भी हो जाएंगे टोटल 8, 8+4+8, 20 टीथ। इसके बाद में अगर अपन एडल्ट के बारे में बात कर लें तो इनमें क्या क्या होता है, इनमें ये जो 20 टीथ हैं ये तो रिप्लेस हो जाते हैं, प्लस 12 अलग बनते हैं, ये सीधे रिप्लेस हो जाते हैं। तो इनमें क्या रहता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर,
एंड मोलर। मोलर इसमें फर्स्ट, सेकेंड और 18 से 21 साल के बीच में थर्ड प्री मोलर आ जाता है जिसको अकलदार बोलते हैं, ये रहता है। इंसिजर हो गए अपने पास कितने, 8, ये हो गए 4, प्री मोलर होते हैं 2, तो ये भी हो जाएंगे 8, मोलर 3 रहते हैं, 3 हर जगह, तो ये हो जाएंगे टोटल 12, 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 32 टीथ। ये एडल्ट में अपने को देखने को मिलते हैं 32 टीथ, जिसमें 20 सीधे रिप्लेस हो जाते हैं, यानी ये जो बचे हुए 12 टीथ हैं, इसको अपन बोलते हैं मोनोफायोडोंट। ये लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, बाकी इंसिजर, कैनाइन और फर्स्ट और सेकंड मोलर ये रिप्लेस होते हैं, प्री मोलर और थर्ड प्री मोलर ये मोनोफायोडोंट टीथ के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये बस इंसानों में एक ही बार आते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं अलग अलग टीथ के बारे में, कैसे कैसे होते हैं टीथ में, उनकी रूट के बारे में। इंसिजर आई, ये होता है कटिंग के लिए, और कैनाइन, ये टियरिंग के लिए, फाड़ने के लिए। और ये जो दोनों होते हैं, इनकी अपर एज वेल एज लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, इन दोनों में रहते हैं, एक ही रूट रहती है। एक ही रूट मतलब बस एक रूट से ये लोग अटैच्ड रहते हैं। लेकिन इसके बाद में अपन बात करेंगे प्रीमोलर के बारे में। ये ग्राइंडिंग के लिए रहता है, चबाने के लिए रहता है। इसमें अपर जॉ में तो होते हैं दो रूट, यानी ऐसी दो रूट, लेकिन लोअर जॉ में एक कम रहती है। सिमिलरली ए बी सी मोलर के बारे में अगर अपन देखें, ये इसका भी काम रहता है ग्राइंडिंग के लिए, जिसमें अपर जॉ में इसमें रहते हैं तीन रूट, और लोअर जॉ में रहती हैं दो, एक कम अपर जॉ से। अपर जॉ में रहती हैं तीन और लोअर जॉ में रहती हैं दो, तो ये याद रखना है। इंसिजर और कैनाइन में तो ऊपर नीचे एक ही रूट रहती है, लेकिन प्रीमोलर और मोलर बड़े दांत रहते हैं, इनमें ऊपर वाले में एक रूट हमेशा ज्यादा रहती है। ऊपर वाले में अगर दो है तो लोअर में हमेशा एक कम रहेगी। अगर प्रीमोलर में अपर में दो है तो लोअर में एक रहेगी। मोलर में अपर में तीन रूट होती है तो लोअर में दो रूट रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। इसमें बताना है फाइंड इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन टीथ। एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ, एडल्ट हैज 12 परमानेंट टीथ, इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन सी रहेगी। अपन ने देखा डाइफायोडोंट में सेकेंडरी डेंटेशन में 32 टीथ रहते हैं जो परमानेंट रहते हैं, बाकी 12 टीथ वाला ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये अपना राइट स्टेटमेंट मतलब राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। अब अपन देखेंगे नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफायोडोंट इन मैन इज, नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफायोडोंट
इन मैन, तो 12, 32, 20 या 5? मोनोफायर डॉट यानी जो लाइफ में बस एक बार आते हैं, तो ऐसे मोनोफायर डॉट कितने टीट हो जाएंगे? अपन ने देखा 20 टीथ प्राइमरी डेंटिशियन से रिप्लेस होते हैं और टोटल 32 होते हैं, 32 माइनस 20, 12 आ जाएगा टीथ। प्राइमरी डेंटिशियन में 20 टीथ रहते हैं जो रिप्लेस होते हैं और टोटल अपने पास एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं, तो मोनोफायरोडोंट जो मैन में रहते हैं वो रहेंगे 12 टीथ मोनोफायरोडोंट। अब आगे हैं तीन और क्वेश्चन। इन ह्यूमन प्राइमरी डेंटिशन इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन, यानी ह्यूमन में प्राइमरी डेंटिशन और जो परमानेंट डेंटिशन होता है या सेकेंडरी डेंटिशन होता है उनमें अंतर क्या रहता है? तो कैनाइन तो दोनों में रहते हैं और इंसिजर दोनों में रहते हैं, मोलर भी दोनों में रहते हैं, बस जो सेकेंडरी डेंटिशन आता है उसमें थर्ड प्री मोलर एक्स्ट्रा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा इसलिए प्री मोलर, प्री मोलर प्राइमरी डेंटिशन में नहीं होते। अब इसमें अपन ने को करेक्ट ऑप्शन बताना है जिसमें दो रूट होती है, यानी उस ऑप्शन को ढूंढना जिसमें दोनों में दो रूट है, अपर इंसिजर एंड लोअर कैनाइन। अपर इंसिजर में वन रूट होती है, लोअर कैनाइन में भी वन रूट होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। लोअर प्रीमोलर एंड अपर मोलर, लोअर प्रीमोलर जो होता है उसमें होती है एक रूट और जो अपर मोलर होता है उसमें होती है तीन रूट, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपर प्रीमोलर लोअर कैनाइन, अपर प्रीमोलर में दो रूट होती है लेकिन लोअर कैनाइन में एक होती है, ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए अपना लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपर प्रीमोलर में दो होती है और लोअर मोलर में भी दो होती हैं, क्योंकि अपर मोलर में तीन होती हैं तो लोअर मोलर में उससे एक कम रूट रहेगी, दो रूट रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ टीथ दैट आर फाउंड इन बोथ डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज, यानी जो जो दोनों में मिलता है, यानी वो टीथ जो दोनों में मिलते हैं, यानी प्राइमरी डेंटिशन मिलते हैं सेकेंडरी डेंटिशन भी मिलते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं 20 टीथ जिसमें आ जाते हैं इंसिजर कैनाइन प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, इंसिजर 8 कैनाइन 4 मोलर, ये होते हैं फर्स्ट मिलता है सेकंड मिलता है इसलिए ये भी 8 मिलता है, 8 16 प्लस 4 20, 20 अपना करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट रहता है कि मेजर एनसीईआरटी की लाइन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आर फूड इस कार्बोहाइड्रेट कार्ब प्रोटीन एंड फैट, ये मेजर कंपोनेंट रहते हैं अपने फूड में और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं।